रक्षम बताएगा अपनी असली सच्चाई, सावी मिलवाएगी रक्षम को वेदिका से। जी हाँ, वेदिका ने नित्यम को खुश रखने के लिए उसके सामने कह दी है कि वो रक्षम को कभी भी अब याद नहीं करेगी, साथ ही वो रक्षम को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से मिटा देगी। वहीं दूसरी तरफ वेदिका अपने मन में ये भी सोचती है कि वो भले ही दुनिया के लिए रक्षम को अपनी यादों से मिटा देगी, लेकिन वो चाहकर भी रक्षम को कभी भूल नहीं सकती। ऐसे में वेदिका के मन की ये बात सावी भी जान जाती है। वहीं दूसरी तरफ रक्षम अभी भी अपनी असली सच्चाई को सबसे छिपा कर रखा हुआ है। ऐसे में जब रक्षम से उसकी सच्चाई के बारे में पूछा जाता है तो रक्षम बताता है कि बचपन में वो सिर्फ अपने घर से पैसे लेकर अपने लिए नहीं भागा था, बल्कि उसने अपने कुछ गरीब दोस्तों के लिए उस पैसे को चुराया था। और जब वो ऑफिस में वापस आया तो उसने देखा कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली है। और ऐसे में यही वजह है कि नित्यम को हमेशा से यही लगता है कि रक्षम के पैसे चुराने की वजह से ही उसके पिता ने आत्महत्या करी थी। लेकिन रक्षम ये बात जानता है कि इसमें रक्षम की कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी उसने पूरे परिवार के सामने कुछ भी नहीं कहा और वो घर से हमेशा हमेशा के लिए भाग गया। वहीं दूसरी तरफ साबी मन में ये ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो रक्षम को वेदिका से मिलवा कर ही मानेगी। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि आखिर सावी इस बात को पूरा कर पाएगी या फिर नहीं। वहीं ऐसे में अपडेट जानने के बाद आप कितने एक्साइटेड हैं इसके अपकमिंग ट्रैक को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।